फलम्मा सकतत अलल अर्द, जब वजूद मुबारक जमीन पर आ गया, अशरक मिनहन नूर, बीबी से नूर साते हुआ, व दखला फी बुयूतात मक्का, मक्के के एक एक घर में ये नूर पहुंचा। इस गांव का नाम है भटोर, भटोर है बथोर, हाँ तभी तो रास्ते में कोई समझ नहीं, हम भटोर भटोर पूछ रहे थे। तो बथोर, बथोर में कई घर आबादी है यहां, हैं 20 घर। नस्ली एतबार से क्या हैं ये लोग, सैयद हैं गैर सैयद हैं क्या है, हैं सैयद हैं, सैयद हैं कि नहीं, मिला जुला बहस नहीं, सैयद हैं कि नहीं है, हैं। उसके बाद अगल बगल जाइए आप अरजानीपुर, आऊ का नाम है सुसुंडी, आऊ फलाना, गाजीपुर में बहुत है माशाल्लाह, ये सब सैयद लोग हैं। कहां से आए सैयद यहां गाजीपुर में, आए ईरान से, तो ईरान में कहां से आए, सैयदों की ओरिजिनलिटी कहां की है, मदीना है ना, तो ये भटोर कैसे पहुंच गए, भटोर कैसे, हाँ ये भटोर कैसे पहुंच गए, सुसुंडी कैसे पहुंच गए, गाजीपुर कैसे पहुंच गए, हाँ फैजाबाद कैसे पहुंच गए, अई छोड़िए यूरोप में कैसे पहुंच गए, अमेरिका में कैसे पहुंच गए, सबब होना चाहिए ना। अब सुनिए आके जो मेरी समझ में आया है, नहीं कहता कि जो कह रहा हूं सही है, मेरी अकल में ये बात आई है, फलम्मा सकतत अलल अर्द, जब जमीन पर वजूद मुबारक आ गया, अशरक मिनहन नूर, बीबी से नूर साते हुआ, हत्ता दखला फी बुयूतात मक्का, मक्के के एक एक घर में ये नूर पहुंचा, खाली मक्का नहीं, अब इमाम फरमाते हैं, वलम यबका फी शर्क अर्द वला गर्बहा, न पूरब न पश्चिम, जमीन का कोई हिस्सा बचा नहीं जहां फातिमा का नूर चमका ना। नूर, जमीन का कोई खित्ता बचा नहीं जहां फातिमा का नूर चमका ना हो पहुंचा। मैं समझता हूं शायद यही वजह है, जहां जहां नूर फातिमा चमका वहां वहां औलाद फातिमा पहुंचा। सलावा दर मोहम्मद वा।